सन 1995 में चीन सरकार ने फिजिकल हेल्थ लॉ ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक कानून लागू किया। इस कानून का मकसद था खेल कूद को चीन की जनता की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना। खेलों के लिए जरूरी माहौल और सुविधाएं मुहैया करवाई गई। देश भर में बनाए गए 6 लाख से भी ज्यादा स्टेडियम्स और जिम्नेजियम्स का इस्तेमाल करने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया गया। शहरी इलाकों में पब्लिक पार्क्स, स्कूल यार्ड्स और दूसरी ऐसी जगहों पर आउटडोर फिटनेस सेंटर्स खोले गए। आम जनता की सेहत सुधारने के साथ साथ इस कार्यक्रम से चीन को एक और फायदा भी हुआ। खेल कूद में बढ़ी भागीदारी से प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी बड़ी संख्या में उभर कर सामने आने लगे। ऐसे खिलाड़ियों को चैंपियंस बनाने के लिए खास तालीम दी गई और इसका नतीजा बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में सामने आया। 1996 के ओलंपिक्स में 16 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले चीन ने 3 गुना बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 2008 के ओलंपिक्स में 50 गोल्ड मेडल्स जीतकर दुनिया भर में पहला स्थान हासिल किया। छह लाख खेल कूद के स्टेडियम्स हिंदुस्तान में 6,000 भी नहीं होंगे, कैसे मुकाबला करेंगे हम बाकी देशों का? क्यों हमारे देश में ऐसा नहीं है? क्या कर रही हमारी स्पोर्टिंग बॉडीज, हमारी स्पोर्टिंग अथॉरिटीज? इस विषय के बारे में हमें बताएंगे राहुल मेहरा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और इस विषय पर काफी काम कर चुके हैं। राहुल जी, क्या क्या बात है, हम क्यों हमारे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, क्यों हम टैलेंट को नहीं सामने ला पाते? मेन मुद्दा तो ये है कि हर खेल की एक संस्था बनी हुई जी। हर संस्था को एक मोनोपोलिस्टिक स्टेटस दिया गया है सरकार की तरफ से। तो जो सरकार को करना था वो सरकार ने एक दायित्व दे दिया संस्था को, संस्था को, फेडरेशन को, बॉडी कि को, आप इसको चलाइए, आप चलाइए और आपका दायित्व है कि आप इसको कैसे निखारेंगे, कैसे उभारेंगे, कैसे इसको डेवलप करेंगे, कैसे इसको प्रमोट करेंगे। मजे की बात यह है कि सारा का सारा जो देश का पैसा है, जो हमारा आपका जो टैक्स पेयर मनी है, वो भी इन संस्था को सरकार देती है जी। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन हैं बाय द वे, ये जो संस्थाओं में जो सारे ऊपर बैठे हैं जी जी जी, ये सारे संस्थाओं में दीमक की तरह, जैसे लक्कड़ को दीमक खा जाती है, वैसे ये लोग पिछले 40-50 साल से स्पोर्ट्स जो है उसको खा रहे हैं दीमक की तरह। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ कोई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, ये सब नहीं है। यहाँ तो सारे लोग बहती गंगा है, सब डुबकी मारे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिए, सरकार ने जो अपनी सारी जो दायित्व था वो दे दिया एक सुरेश कलमाडी साहब थे उनको, कि आप चलाइए और आप करिए कॉमनवेल्थ गेम्स हिंदुस्तान में। उन्होंने क्या किया, 996 करोड़ लगा दिए एक स्टेडियम में रेनोवेट करने में, जबकि BCCI का एक स्टेडियम बन जाता है 120 करोड़ का। ये तो जो गीता और बबीता जो जैसे और होनहार जो शुभम बैठे हैं, ये सिस्टम की वजह से नहीं आते नहीं। ये तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो अमित जैसे लोग होते हैं, जो जुनून रखते हैं, उनकी वजह से आते हैं, संघर्ष की वजह से आते हैं। तो सिस्टम कब बदलेगा, कब हम सिस्टम से हमको हेल्प मिलेगी, इसका सोल्यूशन बताइए आप मुझे। स्पोर्ट्स लॉ, स्वराज, कि जो आदमी जो खेल रहा है वो ही राज करे, ना कि नेतागण उसके ऊपर आकर राज करें, खिलाड़ियों का राज। और खिलाड़ियों का अगर राज आएगा तो ये लोग नहीं लाएंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो आम जनता है उसको उठना पड़ेगा और आवाज को बुलंद करने की जरूर। तो आपका ये कहना है, तो आपका ये कहना है कि ये जो स्पोर्टिंग बॉडीज हैं, स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं, इसमें स्पोर्ट्समैन होने चाहिए। हाँ जी। चलिए हम देश की जनता से पूछते हैं ये सवाल, क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको ऐसे ही लोग चलाएं जो खुद उस खेल में माहिर हैं, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन्स? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए, 1-800-833-4001। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ये अच्छा मौका है मिस्ड कॉल देने का।